हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपके लिए आज लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। इससे पहले कि हम आपके साथ दैनिक राशिफल के विषय में चर्चा करें, आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ही दिनांक 18 फरवरी सन 2023 दिन शनिवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना फागुन का महीना है, पक्ष है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज साथियों त्रयोदशी, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा और योग होगा व्यतिपात, करण होगा गर और राशि होगी आज मकर। चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 9:49 से लेकर प्रातः 11:15 तक। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि रहेगी दोपहर 12:17 से लेकर के दोपहर 1:05 तक। इसके अतिरिक्त साथियों, आज शनि प्रदोष व्रत है और महाशिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि जी का व्रत है और आज से ही साथियों बसंत ऋतु का शुभारंभ है। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ चर्चा आरंभ करेंगे आपके दैनिक राशिफल को लेके और मेष राशि से आरंभ करेंगे यानी एरी साइन। तो साथियों, आज का दिन आपका काफ़ी आनंद और उल्लास से भरा हुआ रहने वाला है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा और आज किए गए हर कार्य में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। घर का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, उसका भी आप उसको भी एंजॉय करेंगे। मायके से भी आपको लाभ हो सकता है और अच्छे समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक लाभ की पूरी संभावना बन रही है होने की। मित्रों और आपके स्नेहीजनों के साथ यात्रा अगर करते हैं तो उसका भी आनंद लेंगे आप, और उनके द्वारा कोई आपको कोई भेंट दी जा सकती है, कोई गिफ्ट आदि दिया जा सकता है, उससे पाकर के भी आप बहुत आनंदित महसूस करेंगे। साथियों, उपाय आप कर सकते हैं आज, सफेद कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से बहुत उत्तम रहेगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, शुभ अंक आपके लिए आज 2। वृषभ राशि यानी टॉरस साइन। साथियों, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी या शुभ परिणाम देने वाला नहीं लगता है। अनेक प्रकार की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा नरम रहेगा और जो आपके अपने स्नेहीजन हैं या स्वजन हैं उनके साथ भी किन्हीं बातों को लेकर के मतभेद पैदा हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप घर में विरोध का एक वातावरण आपको दिखाई देगा। आज के कार्य आपके द्वारा जो पूरे किए जाने थे वो पूरे होने की संभावना बहुत कम है और किसी कारणवश आपका धन कुछ उसका व्यय कुछ अधिक मात्रा में हो सकता है। आज के किए गए परिश्रम के असंतोष मतलब एक तरीके से असंतोषजनक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं जिससे आपका मन संतुष्ट ना हो, और कोई ऐसा निर्णय जो बिना सोचे समझे लिया जाए उसके कारण भी अगर ऐसा आपके द्वारा होता है, आज बिना सोचे समझे कोई निर्णय आपके द्वारा लिया जाता है तो वहां से भी इस बात का आपको ज्यादा संभावना है कि कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए उस डिसीजन की वजह से, उस निर्णय की वजह से, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय आप करें पारिवारिक जीवन की खुशियों के लिए दूध मिश्री सफेद गुलाब के पुष्प किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप उसको चढ़ा के आ सकते हैं देवों के चरणों में। शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक आपके लिए आज 7। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। प्रिय साथियों, आज अनेक रूप से लाभ होने के कारण आपके हर्षोल्लास में दुगनी वृद्धि होगी। पत्नी एवं पुत्र की ओर से भी कोई अच्छा समाचार मिल सकता है आपको जिससे आपका दिल खुश होगा, और मित्रों से भी जो मुलाकात आपकी आज होने वाली है या होगी जिसकी संभावना काफी ज्यादा है वो भी आपको काफी आनंदित करेगी। जो जातक विवाह के लिए उत्सुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनको भी कोई अपने योग्य जीवन साथी मिल सकता है आज। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि समय अनुसार उत्तम भोजन जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, पौष्टिक भोजन। उपाय आप करें कोयले के 8 टुकड़े बहते जल में प्रवाहित करने से आपकी रोजगार या व्यापार में आपको उन्नति हासिल होगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, शुभ अंक आपके लिए आज 6। कर्क राशि यानी के कैंसर साइन। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल है।
आप आज हर कार्य को बहुत सरलता और आसानी के साथ पूरा कर सकेंगे। नौकरी में जो आपके उच्च पदाधिकारी हैं, जहां पर भी आप रोजगार में हैं, नौकरी करते हैं, वो आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न रहेंगे, बहुत प्रभावित होंगे आपके कार्यों को देख करके। इसी वजह से आपके पदोन्नति के कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं। और उच्चाधिकारियों के साथ महत्व की बातों पर चर्चा आपको अधिक करनी चाहिए। ऐसी बातें जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनको लेकर के डिस्कशन करनी चाहिए अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ। परिवारजनों के साथ मुक्त मन से बातचीत करनी होगी आपको, बिल्कुल फ्री माइंड। घर की सज्जा में रुचि लेकर कुछ नया करने की कोशिश रहेगी आपकी। और किसी भी कार्य को लेकर के आप कहीं बाहर जा सकते हैं। माता के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे आप, और सरकारी लाभ प्राप्ति की भी पूरी संभावना है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा पूरे दिन। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए कच्ची साबुत हल्दी और जो हल्दी की जो गांठ होती है कच्ची, उनको आपको बहते जल में प्रवाह करना है, बस इतना करना है। शुभ रंग आपके लिए संतरी है और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 9। सिंह राशि यानी लियो साइन। प्रिय साथियों, आज का दिन धार्मिक प्रवृत्तियों में आपका अधिक रहेगा, व्यतीत होगा, और स्नेही जनों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का बहुत अच्छा एक अवसर आपको मिलेगा। और आपको भी ये चाहिए कि कर्मनिष्ठ होकर हाथ पर जो भी आप ऐसे कार्य हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका जो व्यवहार है आज बहुत ही एक तरीके से न्यायप्रिय होगा, न्याय से प्रेरित होकर के आप जो भी निर्णय लेंगे या जो भी आपका व्यवहार करेंगे आप, न्याय से परिपूर्ण होगा, न्यायानुकूल होगा। क्रोध पर जरूर आपको संयम रखना होगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। और व्यवसाय में बाधा उपस्थित होने की भी कुछ संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी बन रही है। एवं उच्च पदाधिकारियों की थोड़ा सा अप्रसन्नता के कारण मन आपका कहीं ना कहीं दुखी हो सकता है। सेहत आपकी मध्यम रहेगी पूरे दिन। उपाय आप करें, उबले हुए मूंग किसी गरीब व्यक्ति को खिलाने पर स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए आज 6। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। प्रातः काल का समय प्रिय मित्रों, आपके जो अपने मित्र हैं उनके साथ आप घूमने फिरने, खान पीन एवं मनोरंजन में व्यतीत होने की अधिक संभावना है। पार्टनरशिप अगर किसी के साथ काम करते हैं पार्टनरशिप में, तो उसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद तो आज के दिन नहीं दिखती। दोपहर बाद आपको प्रतिकूलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है, चीजें आपके अगेंस्ट जाती हुई आपको महसूस होंगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कमजोरी रहेगी, नरम रहेगा स्वास्थ्य, और कहीं मेडिसिन परचेज करने पर या मेडिकल एक्सपेंसेस आपके आज कुछ ज्यादा हो सकते हैं। उपाय आप करें, हल्दी की जो गांठ है कच्ची वो लें, केसर लें, पीला चंदन लें, पीली रंग की दाल लें, उसका आप सेवन अपने भोजन में इन चीजों का अधिक करें तो आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा, बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, शुभ अंक आपके लिए आज 8। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। साथियों, आज के दिन में आपका मन अपने मित्र और अपने स्नेही जनों के साथ खान पान में और सैर सपाटे में और प्रेम संबंधों की वजह से प्रसन्न रहेगा, अत्यंत प्रसन्न रहेगा। यात्राओं के योग बने हुए हैं, कहीं घूमने फिरने का भी योग बना हुआ है, और आज मनोरंजक साधनों एवं कुछ नए वस्त्र खरीदने का भी योग है। अपने लिए आप कुछ नए कपड़े, नए वस्त्र खरीद सकते हैं। तन एवं मन की तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, तन मन से प्रसन्न रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मान सम्मान भी आपको समाज में प्राप्त हो सकता है, उसकी भी अच्छी संभावना है। उपाय आप करें, केसर का तिलक जरूर लगा करके निकलें घर से, इससे पारिवारिक जीवन आपका बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलेगा, बेहतर तरीके से चलेगा। शुभ रंग आपके लिए सलेटी, शुभ अंक आपके लिए 6। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन। तो साथियों, आज के दिन आपका जो पारिवारिक वातावरण है वो आपको बहुत प्रफुल्लित करेगा, उससे आप बहुत आनंदित रहेंगे देख करके, और उल्लास से मन आपका दिल लबालब भरा रहेगा। ये इतना अच्छा एटमॉस्फेयर आपको आज मिलने वाला है पारिवारिक। तन में चेतना एवं स्फूर्ति का संचार बना रहेगा पूरे दिन। लेकिन एक बात को लेकर के हम आपको यहां पर सतर्क करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं, कि जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, जो आपसे कंपटीशन करते हैं, या जो आपके मित्र के भेष में छुपे हुए शत्रु हैं आपके, यानी कि आपके सामने वो मित्रता का ढोंग करते हैं और पीछे से
वो शत्रुता आपके साथ निभाते हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा। यूं तो वो अपने प्रयासों में पूर्ण रूप से असफल रहेंगे, आपका कोई हानि आपको नहीं पहुंचा पाएंगे किसी प्रकार की, उनकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो आपको कोई थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन फिर भी आपको हम यहां पर ये कहना चाहते हैं कि आप उनसे सतर्क रहिए। अपने ऑफिस में जो आपके सहकर्मी हैं उनका आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने जा रहा है, स्त्री मित्रों के साथ मेल मिलाप और प्रणय प्रसंग से भी आपका मन आनंदित रहेगा, आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं होने के, एवं अधूरे कार्य जो पड़े हुए हैं वो भी आप उनको चाहेंगे तो पूरा कर पाएंगे आज। बीमारियों से पीड़ितों को राहत मिलेगी, यानी कि पहले से कुछ स्वास्थ्य नरम चल रहा है या कुछ परेशान है स्वास्थ्य को लेकर के, तो उसमें निश्चित रूप से आज इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसको देख करके आप काफी राहत महसूस करेंगे। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति को अपनी बेहतर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उसके लिए गेहूं के 11 दाने सूर्य उदय होने के समय पर आपको खाने हैं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक आपके लिए आज 5। धनुराशि यानी सेजिटेरियस साइन, आज कार्य सिद्धि व सफलता ना मिले आपको साथियों, तो उससे आपको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, बस अपने क्रोध पर संयम रखें, इरिटेट ना हो, क्रोधित ना हो। संतति से संबंधित विविध प्रश्नों के विषय में मन आपका थोड़ा चिंताग्रस्त ग्रस्त रह सकता है, और आज कोई यात्रा ना करने की हमारी आपको सलाह है, क्योंकि ये यात्रा जो अगर आप करते हैं या यात्रा पर जाते हैं तो उसके लाभ आपको आपके अनुसार नहीं मिल पाएंगे। उपाय आप कर सकते हैं तो आपके लिए बनता है, तांबे का कड़ा धारण करने पर स्वास्थ्य बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए आज 5। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन साइन, आज आपकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य कुछ अनुकूल रहने की संभावना नहीं है साथियों, ध्यान रखना है आपको। परिवार में भी कुछ कलेश वाला वातावरण बन सकता है, जिसके कारण मन आपका थोड़ा सा व्यथित हो सकता है, शरीर में स्फूर्ति और प्रफुल्लता का भी अभाव बना रहेगा, यानी एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा। अपनों के साथ मन मुटाव का प्रसंग बन सकता है किसी बात को लेकर के, और आपके चेस्ट से रिलेटेड भी कोई वायु विकार या कोई कफ आदि की प्रॉब्लम हो सकती है, और निद्रा ना पूरी होने के कारण भी शारीरिक अस्वस्थता महसूस कर सकते हैं, मान हानि होने की भी संभावना है। तो प्रिय साथियों, आज बहुत चीजों का ध्यान रखना है आपने, स्त्रियों एवं पानी से भी दूरी बना करके रखें, जो आपकी मित्र हैं फीमेल फ्रेंड्स हैं उनसे दूरियां बना करके रखें, और दूसरा पानी से भी दूरी बना करके रखें। यदि आपका कहीं कुछ किसी नदी टैंक तालाब नहर आदि में कोई नहाने का प्रोग्राम है तो आज के दिन वो नहाने का प्रोग्राम आप कैंसिल कर दीजिए, आपके लिए शुभ नहीं है। मानसिक तौर पे थोड़ा सा आप महसूस करेंगे कि चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, आपकी इच्छाओं के विरुद्ध जा रही हैं, उसके कारण भी थोड़ा सा आपका जो दिन है वो व्यग्रतापूर्ण तरीके से निकल सकता है, मानसिक तौर पे व्यग्र रह सकते हैं, तो इस लेकिन आप चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, और जो उपाय हम आपको दे रहे हैं वो उपाय आप जरूर करें, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उपाय बहुत सिंपल बहुत साधारण है, बंदरों को गुड़ चने खिलाने से आपका जो भी कार्य ऐसा है जिसके कारण आपका मन व्यथित हो सकता है वो ऐसा कारण नहीं बन पाएगा अगर आप ये उपाय करेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए आज 5। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, मानसिक रूप से आज आप बहुत हल्कापन महसूस करने जा रहे हैं साथियों, आपके मन पर छाए हुए जो चिंता के बादल थे उनके हटने पर आज के दिन आपके उत्साह में कई गुना वृद्धि होगी, और घर में अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर कोई आप नया आयोजन करने का भी विचार कर सकते हैं, उनके साथ समय आनंद पूर्वक बिताएंगे, और मित्र और स्वजनों के साथ भी मुलाकात आपकी बहुत सुखद रहेगी, घर के आसपास कहीं घूमने का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है, और जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं उन पर आप एक तरीके से विजय प्राप्त करेंगे, भाग्य में आपके वृद्धि होगी और वैवाहिक आनंद का भरपूर आप आनंद लेंगे वैवाहिक जीवन का। उपाय आप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाइए अपने घर से निकलने के समय पर, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक आपके लिए आज 7। अंत में मीन राशि यानी पाइसिस साइन, आज आपको चेतावनी देते हुए कह सकते हैं या समझाते हुए कह सकते हैं कि एक तो आप अपनी वाणी पर जरूर संयम रखें, यह बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि अगर कहीं आपका वाणी पर संयम नहीं रहा प्रिय मित्रों, तो
तो आपका कहीं वाद विवाद ही नहीं, लड़ाई झगड़ा भी संभव है। खर्च पर भी संयम रखना अति आवश्यक रहेगा आपके लिए। धन संबंधित लेन देन में भी बहुत सावधानी बरतनी है आपने। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में भी थोड़ी गिरावट का अनुभव कर सकते हैं आप आज। और परिवारजनों के साथ भी आपका मन मुटाव पैदा हो सकता है। खान पान में भी बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है। उल्टा सीधा कुछ भी ना खाएं, बाहर का ना खाएं, स्ट्रीट फूड ना खाएं। उपाय आप करें, सफेद संगमरमर की बनी कोई भी वस्तु अपने प्रेमी या प्रेमिका को अगर आप गिफ्ट करेंगे तो लाइफ बेहतर होगी आपकी, लव लाइफ। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए आज 9। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल, दिनांक 18 फरवरी सन 2023, दिन शनिवार, संवत 2079 का। लेकिन आप सभी को ये बात बताने के उपरांत कि आपका दिन आज का किस प्रकार से व्यतीत होगा, अब हम यहाँ पर अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से लेना चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।